हे गाइस, आज की वीडियो बहुत कमाल के होने वाली। आज हम सीखेंगे करेक्टर को आप कोई भी ड्रेसेस कैसे पहना सकते हो, लाइक शर्ट, टी शर्ट, जीन्स, कुर्ता, पैजामा, सूट, जो भी आपका मन हो वो आराम से पहना सकते हो एकदम सिंपल वे में। मैंने बताया है कि आपको कैसे क्लोथेस पहनानी है करेक्टर को, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखना। मैंने स्टेप टू स्टेप बताया है आपको कैसे करेक्टर को ड्रेस पहनानी है। सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इमेज सर्च मैन करके एक एप्लीकेशन मिलेगा, वो डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर सर्च बार मिलता है, आपको जो भी चाहिए, जैसे मेरे को सर्च चाहिए तो सर्च पीएनजी करके सर्च करता हूँ तो यहाँ पर देखो कितने सारे अवेलेबल आपको मिलते हैं। वैसे ही आपको अगर टी शर्ट चाहिए तो टी शर्ट पीएनजी, कुर्ता चाहिए तो कुर्ता पीएनजी। तो आपको देखो कैसा पीएनजी डाउनलोड करना मैं आपको बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे जो भी चूज़ करोगे वो थोड़ी सी मोड़ी होनी चाहिए, तो फिर लेफ्ट के साइड या फिर लेफ्ट के साइड थोड़ी सी अगर मोड़ी हुई रहेगी तो हमारा 2D एनिमेशन के लिए परफेक्ट होता है। जैसे कि आप सब देख सकते हो ये शर्ट थोड़ी सी हल्की सी मोड़ी हुई है, तो ये आपको डाउनलोड कर लेनी है कुछ इस तरह से। ऐसे ही आपको जीन्स पीएनजी करके सर्च कर देनी है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारा अवेलेबल मिल जाता है, इसमें से आपको जो भी पसंद हो वो आपको डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे कभी कभी आप सबको प्रॉब्लम आता है कि आपको जो क्लोथ पसंद हो बट वो पीएनजी फॉर्म में नहीं हो, तो उसको पीएनजी फॉर्म में कैसे बना सकते हैं एक क्लिक में। तो उसके लिए आपको पिक्सआर्ट एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी। यह पिक्सआर्ट में आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ती, ये चाहो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पर पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन कर लेना, एड पे जाना है, एडिट ऑफ फोटो में जाना है आपको, और यहाँ पे आपका जो भी फोटो है वहाँ ले आना है। देखो एक बात का आपको ध्यान रखना, आप चेंजेस डाउनलोड करोगे शर्ट टी शर्ट या फिर किसी भी, तो वो लेफ्ट साइड मोड़ी होनी चाहिए। देखो यहाँ पे राइट साइड ये मोड़ी है, तो उसके लिए लेफ्ट साइड मोड़ने के लिए आपको क्रॉप का ऑप्शन है, इसमें चले जाना है और फिर से आपको क्रॉप सेलेक्ट करके यहाँ पे देखो ये वाले ऑप्शन में चले जाना है और ओरिजिनल है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ये ऑटोमेटिक मुड़ जाएगा। फिर राइट टिक पे हम क्लिक कर देंगे। अब हम बनाते हैं इसको पीएनजी। तो पीएनजी बनाने के लिए देखो यहाँ पे रिमूव बीजी यहाँ पे लिखा हुआ है नीचे की तरफ, इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहाँ पे नेट बस आपका ऑन होना चाहिए और यहाँ पे अपने आप ही इरेज कर देगा पीछे के बैकग्राउंड। फिर राइट टिक पे आपको क्लिक कर देना और यहाँ पे शेप का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके आपको सेव कर लेना है। अब हम डाउनलोड करेंगे करेक्टर की टेक्सचर। तो बहुत कोई कमेंट कर रहे थे भाई कि बॉडी पार्ट्स कैसे डाउनलोड करते हैं, करेक्टर की पीएनजी कैसे डाउनलोड करते हैं, तो आप सब देख सकते हो ऐसे डाउनलोड कर सकते हैं। क्रोमाटून की ऑफिशियल वेबसाइट में आपको आ जाना है और यहाँ पे 3 डॉट दिख रहा होगा, इस पर आपको चले जाना है। फिर ट्यूटोरियल्स पे चले जाएंगे हम और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको स्क्रॉल कर लेना है। नीचे तरफ जैसे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है डाउनलोड पीएसडी फाइल एंड कस्टम करेक्टर टेक्सचर सेटअप हियर, यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन है। डाउनलोड पे आप जैसे ही क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको ईमेल आईडी पूछा जाता है, कोई सा भी सिलेक्ट कर सकते हो। क्लिक करने के बाद ओके पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको सारे करेक्टर के टेक्सचर यहाँ पे दिख जाएंगे। इसमें से हमें डाउनलोड करना है करेक्टर को क्लोथ बनाने के लिए हमें डाउनलोड करना है सेठ जी का करेक्टर का टेक्सचर। तो आप सब देख सकते हो यहाँ पे सेठ जी लिखा हुआ है, सेठ जी पीएनजी, इसे ही आपको डाउनलोड कर लेनी है। 3 डॉट पे हम फिर से चले जाएंगे और डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिख जाता है, ये आपको डाउनलोड कर लेनी है। अब आप सबको अपना IBS पेंट एप्लीकेशन ओपन कर लेना है, यहाँ से चले जाना माई गैलरी पे, नीचे की तरफ एड का ऑप्शन है, एड का ऑप्शन में जाके 1:1 रेशियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से करने के बाद इधर लेयर्स का ऑप्शन है, लेयर्स में जाके कैमरे वाले ऑप्शन में जाएंगे और जो हमने सेठ जी का पीएनजी अभी डाउनलोड किया है उसे आपको यहाँ पर ले आना। ले आने के बाद यहाँ पर राइट टिक है, राइट टिक पर क्लिक करोगे कुछ आएगा एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ, इसे कर देना है कैंसिल। यहाँ पर 2 लेयर दिख रहे होंगे तो ऊपर वाली लेयर को ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आना है और सेकेंड लेयर आपको सेलेक्ट कर लेनी है। फिर से हम जाएंगे कैमरे वाले ऑप्शन में और जो भी आपका शर्ट टी शर्ट आपका जो भी क्लोथ आपको पहनानी है वो यहाँ पे आपको ले आना है। तो ले आने के बाद कुछ इस तरह से आपको जूम करके यहाँ पे थोड़े से ऐसे रख देनी है। रखने के बाद राइट टिक पे हम क्लिक करेंगे, फिर एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ, इसे कर देना आपको कैंसिल। नीचे की तरफ आपको ट्रांसपेरेंट का एक ऑप्शन मिल जाता है, इसमें आपको थोड़ी सी ट्रांसपेरेंट करके 70 के आसपास आपको रख लेनी है ताकि हम अच्छे से देख सके पुरानी करेक्टर को भी। तो कुछ इस तरह 70 में हम रख देंगे। अब हम अपनी शर्ट को करेक्टर के साथ अच्छे से अटैच करेंगे। देखो अटैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे शर्ट की कॉलर दिख रही होगी या करेक्टर की नेक, तो उसके साथ ही आपको अच्छे से मैच करना है। अच्छे से मैच कर लेना ताकि एकदम सेम सेम लगे, मैच होनी चाहिए। देखो मैं जैसे कर रहा हूँ आपको भी सेम ऐसे ही मैच करके अच्छे से देख लेना नेक और शर्ट की कॉलर के साथ। मैच जब हो जाए तो राइट टिक है, राइट टिक पर हमें क्लिक कर देनी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ, देखो नीचे की तरफ आपको हैंड भी दिख रहा, तो इस पर भी आपको शर्ट पहनानी पड़ेगी ना। तो इसके लिए पहनाने के लिए हम इसका डुप्लीकेट तैयार करेंगे। तो लेयर्स ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ पे एड का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक कर देनी है। करने के बाद यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर का ऑप्शन आता है, इस पर क्लिक करके और एक क्रिएट हो जाएगा। और इधर साइड एडजस्ट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके इसे हम थोड़ी साइड रख देंगे ये वाली शर्ट को। और फिर थर्ड हम सिलेक्ट कर लेंगे, इस पर हमारी शर्ट थी जो करेक्टर पे लगी हुई है अभी। तो थर्ड लेयर सिलेक्ट करने के बाद फिर ब्रश में जाएंगे, इरेजर पे हम चले जाएंगे और जो यहाँ पे हैंड जो यहाँ पे दिख रही होगी इसे आपको इरेज कर देनी है।
तो देख सकते हो हमने ट्रांसपेरेंट किया, तो इससे हम देख सकते हैं कि पुरानी करेक्टर की क्लोथ्स है वो कहाँ तक बनी हुई है। वैसे ही आपको इरेज करना है, देखो कुछ इस तरह से, ज़्यादा इरेज मत कर देना, जो हमारी पुरानी करेक्टर की भी जो दिख रही होगी आपको ट्रांसपेरेंट, अगर अच्छे से ना दिखे तो और कम कर लेना और अच्छे से दिखने लग जाएगी। तो कुछ इस तरह से आपको इरेज करना है, देखो जैसे मैं इरेज कर रहा वैसे ही आपको सेम कर देना, ज़्यादा मत कर देना नहीं तो ख़राब हो जाएगी। तो इधर साइड इरेज करने के बाद इधर साइड वाली हैंड की जो है क्लोथ, उसे भी आपको इसी तरह से इरेज कर लेनी है अच्छी तरह से। देखो मैं जैसे इरेज कर रहा हूँ वैसे ही आपको ये भी इरेज कर लेनी है, इससे ज़्यादा इरेज मत करना, रेड रेड जो जहाँ तक बनी हुई है वहीं तक आपको इरेज करना है। अब कॉलर की बात हुई तो कॉलर भी आपको इरेज ऐसे करके इतनी तक इरेज आपको कर लेनी है। देखो कुछ इस तरह से हमारा इरेज होकर यहाँ पर फिट हो जाएगा। अब हमारा ऊपर की साइड वाला यहाँ पर कम्प्लीट हो चुका है। अब बात रही कि डुप्लीकेट यहाँ पे मैंने क्यों क्रिएट किया, तो डुप्लीकेट मैंने इसलिए क्रिएट किया ताकि हमारा जो ऊपर की साइड चेस्ट पे जो हमने शर्ट बनाया उसी साइज के जो हैंड पे है वो भी हम पहना सके। अगर डुप्लीकेट क्रिएट नहीं करते हो तो आपको सेम साइज़ नहीं मिलता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। वीडियो में आगे भी हम डुप्लीकेट और भी क्रिएट करेंगे, तो प्लीज़ वीडियो ध्यान से देखना, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना, नहीं तो आप अच्छे से बना नहीं पाओगे। अब आप सबको फिर से लेयर्स वाले ऑप्शन में चले जाना और जो डुप्लीकेट लेयर किया हमने, फोर्थ वाला लेयर वो डुप्लीकेट लेयर है वो हमें सेलेक्ट कर लेते हैं और फिर इसे हैंड के पास ले आएंगे। देखो कुछ इस तरह से आपको हैंड के पास ले आना है, जूम कर लेना अच्छी तरह से, जितनी जूम करके बनाते हो उतनी अच्छी हमारी करेक्टर बनती है, मैंने पहले भी बताया है। तो देखो कुछ इस तरह से आपको एडजस्ट कर लेना, ऊपर से रोटेट का ऑप्शन मिलता है, थोड़ी सी आपको रोटेट कर लेनी है और कुछ इस तरह से हैंड पर आपको रखनी पड़ेगी कि हमारा जो पुरानी करेक्टर की जो हैंड पर लगी हुई है उसके साथ ये शर्ट अच्छे से कवर हो सके। तो कुछ इस तरह से आपको रख लेनी है, रखने के बाद यहाँ पे आप सब देख सकते हो यहाँ पे नीचे के सैंड में भी आपको पहनानी पड़ेगी। तो उसके लिए हम डुप्लीकेट लेयर और एक क्रिएट करेंगे ताकि हमें सेम साइज मिल सके, नीचे की तरफ हैंड है उस पर भी तो पहनानी पड़ेगी ना हमें। तो फिर से हम जाएंगे फोर्थ लेयर की, यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर तैयार कर लेते हैं। लेयर तैयार करने के बाद इसे भी हम रख देते हैं साइड और राइट टिक पे क्लिक करके फोर्थ लेयर हम फिर से सेलेक्ट कर लेंगे और बाकी जो ये सब है बाकी एक्स्ट्रा पार्ट ये सब हम इरेज कर देंगे अच्छी तरह से। तो आपको भी कुछ इस तरह से इरेज कर देना है, बाकी बस जो रेड वाला बाकी जो यहाँ पे दिखता है आपको उसे इरेज छोड़ के बाकी सब कुछ आपको एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे इरेज कर देनी है। इरेज हो जाने के बाद आपको फिर से लेयर्स में जाना है और फोर्थ लेयर का और एक डुप्लीकेट एड में जाके एक डुप्लीकेट लेयर आपको फिर से एक तैयार कर लेनी है। तैयार करने के बाद यहाँ पे एक जस्ट ऑप्शन है, इस पर चले जाएंगे हम और आपको इससे आपको राइट टिक पे क्लिक कर देनी है। करने के बाद हमें यहाँ पे फ्लिप का एक ऑप्शन दिखता है, इसको फ्लिप कर लेनी है, इस वाले ऑप्शन से फ्लिप करके ऊपर फिर एडजस्ट में जाएंगे हम और इसे आपको यहाँ पे इस हैंड के साथ अच्छे से रख लेना होगा। फ्लिप हमने इसलिए किया है क्योंकि वो लेफ्ट हैंड का और ये राइट हैंड का, तो फ्लिप कर दिया तो ये राइट हैंड का यहाँ पर बन जाता है। तो देखो कुछ इस तरह से आपको रोटेट यहाँ पर जूम करके रोटेट अच्छे से करके यहाँ पर कुछ इस तरह से इसको भी आपको फिट कर लेनी है। फिट हो जाने के बाद यहाँ पर राइट टिक है, राइट टिक पर हम क्लिक कर देंगे, ये यहाँ पर हो जाता है। अब देखो यहाँ पे और एक हमने शर्ट यहाँ पे क्रिएट करके रखा है वो अब हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सिक्स लेयर हम चले जाएंगे और वो सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे एडजस्ट बटन क्लिक करके और अब हम पहनाएंगे नीचे वाली हाथों की तरफ। तो नीचे वाली हाथों की तरफ देखो से शर्ट का हैंड का जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से आपको स्टार्टिंग करना है कुछ इस तरह से। देखो अच्छे से यहाँ पर फिट हो जा रहा है ये, तो यहाँ पर फिट करने के बाद अब हम इसे भी इरेज कर देते हैं कुछ इस तरह से। आपको इरेज कर देना पूरी शर्ट को, यहाँ पे बस जो रेड रेड बच जाता है उसे ही आपको छोड़ना है, बाकी सब एक्स्ट्रा पार्ट है आपको आराम से क्लीन कर लेनी है। अब आपको फिर से लेयर्स वाले ऑप्शन में चले जाना और फिर सिक्स लेयर के डुप्लीकेट हम क्रिएट कर लेंगे ताकि हम जो राइट वाले हैंड बची हुई है उस पर भी हम सेम और साइज पे पहना सके। तो देखो कुछ इस तरह से आपको ले जानी है और थोड़ी सी रोटेट कर लेनी है और यहाँ पे भी कुछ इस तरह से अच्छे से यहाँ पर देखो एडजस्ट करके यहाँ पर आपको पहना देनी है और राइट टिक पर हम यहाँ पर क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे देखो कंप्लीट हो चुका है, हैंड पे भी और चेस्ट पे भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपको लेयर्स वन पे चले जाना है और जो एक्स्ट्रा पार्ट है पहले जो ड्रेस पहना हुआ था वो भी यहाँ पे क्लीन कर देंगे। देखो कुछ इस तरह से आप इरेज करोगे वन पे लेयर पे जाके तो वो क्लीन हो जाती है। आपको यहाँ पर ध्यान रखना हैंड आपको गलती से भी नहीं करना है, अगर हो जाए तो अंडो का ऑप्शन है, अंडो करके फिर से आपको ले आना और फिर से आराम से धीरे से इरेज कर लेना है पुरानी करेक्टर की यहाँ पर हो जाए। तो देखो कुछ इस तरह से हम इरेज कर लेंगे। अगर आप इरेज नहीं करते हो तो कुछ कुछ यहाँ पे आपको डॉट सा दिख जाता है जो हमारा अच्छे से स्मूथ नहीं बनता ड्रेस, तो वो आपको इरेज कर लेनी है। देखो कुछ इस तरह से मैंने इरेज किया,
ऊपर साइड है, ऊपर साइड तो पूरे ही इरेज कर देना आपको, ऊपर साइड कोई ज़रूरत नहीं है। और नहीं ऊपर और चेस्ट के साइड जो है वो नेक छोड़ के बाकी ये सब सब कुछ क्लीन कर देना है आपको कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से मैंने क्लीन कर दिया, जो आपको जूम करके अच्छे से देख लें। एक्स्ट्रा पार्ट यहाँ पे बहुत बच जाता है जिससे हमारा करेक्टर स्मूथ नहीं बनता। देखो यहाँ पर हमारा कंप्लीट हो चुका है अच्छे से यहाँ पे बन के, और सबकी ट्रांसपेरेंट जो है उसे अब हम फुल कर देते हैं, जिसकी जिसकी कम थी वो हम फुल कर देंगे यहाँ से। करने के बाद ये हमारा शर्ट अच्छे से बन के रेडी हो चुका है। अब आपको इसे कर लेना है एज अ सेव, एज अ ट्रांसपेरेंट PNG पे सेव। अब आप चाहो तो क्रोमा टोन में यूज़ करके भी देख सकते हो कि कैसा बना है हमारा करेक्टर। अब हम सब सीखते हैं कि आप नीचे की तरफ पैंट जीन्स या कुछ भी आप कैसे पहना सकते हो। तो सबसे पहले तो बैक टू गैलरी पे हम आ जाएंगे, ऊपर की साइड बैक का ऑप्शन मिलता है, बैक हम फिर से कर लेंगे। और यहाँ पे ऐड का ऑप्शन में जाके 1:1 रेशियो ही आपको ले लेनी है। लेने के बाद लेस में जाएंगे, कैमरा वाले ऑप्शन में जाएंगे, जो हमने अभी अभी करेक्टर को जो शर्ट पहनाकर सेव किया है उसे ही आपको यहाँ पे ले आनी है। ले आने के बाद राइट टिक है, राइट टिक पे क्लिक करेंगे हम, एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ है का इसे करना है कैंसिल, और आपको ड्रैग करके नीचे की तरफ ले आना है। और सेकेंड लेयर हम सेलेक्ट करेंगे, कैमरा वाले ऑप्शन में जाएंगे, आपको जो भी पहनाना हो पैंट जीन्स फॉर्मल जो भी पहनाना हो, मैं यहाँ पे जीन्स पहना के आप सबको दिखाता हूँ, क्योंकि जीन्स पहनाना थोड़ा सा हार्ड होता है इसलिए मैं जीन्स ही यहाँ पे आप सबको पहना के दिखाऊंगा। तो जीन्स यहाँ पे ले आनी है, ले आने के बाद राइट टिक है, राइट टिक पे आपको क्लिक कर देना, फिर से आपको एक्स्ट्रा लाइन ड्रॉ है इसे कर देना है कैंसिल, फिर आपको चले जाना है यहाँ पे एडजस्ट का बटन है दिख रहा होगा, एडजस्ट में जाएंगे हम और यहाँ पे थोड़ी इसको छोटी कर लेते हैं। और ऊपर के साइड आपको पैर दिख रहे होंगे, दो पैर, एक ये थाई है और नीचे की तरफ पैर है। तो यहाँ पे देखो ऊपर की तरफ थाई पे हमको एडजस्ट करना पड़ेगा इसकी पैंट को, तो कुछ इस तरह से हम छोटी कर लेंगे और वहाँ पे ले जाएंगे थाई के पास। सबसे पहले तो इसको हम थोड़ी ट्रांसफेट कर लेते हैं ताकि हम अच्छे से यहाँ पे देख सके। तो यहाँ पे ट्रांसपेरेंट हमने कर लिया, अब हमारे पुरानी करेक्टर के साथ दिख रही है हमारी पैंट। तो देखो आपको यहाँ पे बीच से जो फैली हुई है पैंट, यहाँ पे बीच में आपको दिख रहा हो क्रॉस मार्क, यहाँ से ही आपका थाई स्टार्ट होता है। तो कुछ इस तरह से आपको अच्छे से देखने को मिल रहा होगा, एडजस्ट कर लेना है आपको। एडजस्ट हो जाने के बाद यहाँ पर राइट टिक है, राइट टिक पर आपको फिर से क्लिक कर देना है। राइट टिक पे क्लिक करके हम इरेजर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। सबसे पहले तो हम लेयर्स में जाएंगे और इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे तैयार कर लेते हैं, ऐड के ऑप्शन में जाके डुप्लीकेट लेयर हम तैयार कर लेते हैं ताकि हम नीचे की तरफ भी पेंट है उसे भी सेम साइज पे ही पहना सकें। सेम साइज नहीं पहनाओगे तो अलग अलग दिखने लगेगा। अब हम लेयर्स में जाएंगे, थर्ड लेयर सेलेक्ट करके बाकी जो इरेज है एक्स्ट्रा पार्ट है यहाँ पे उसे भी इरेज आपको कर देना है। यहाँ पे बस ध्यान आपको बस वही रखना है जो पुरानी कैरेक्टर के यहाँ पे आपको हल्की हल्की थाई यहाँ पे देखने को मिल रही होगी, अगर नहीं दिखे तो ट्रांसपेरेंट और थोड़ी कम कर लेना, अच्छे से दिखने लग जाएगी। तो देखो यहाँ पर जो पुरानी कैरेक्टर की जो है उसे इरेज मत करना, वहाँ तक इरेज मत करना, बाकी ये सब जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसे आपको क्लीन कर देना है कुछ इस तरह से। यहाँ पे थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, नहीं तो आपका थोड़ा सी गड़बड़ हो जाएगी, आपको अच्छे से इरेज करना होगा यहाँ पे अच्छे से ध्यान देके। इरेज हो जाने के बाद लेयर्स में चले जाना है आपको, लेयर्स में जाके जो थाई की लेयर है थर्ड लेयर उसकी और एक डुप्लीकेट तैयार कर लेनी है ताकि हम दूसरी थाई पे भी सेम चीज़ पेंट हम लगा सकें। तो यहाँ पे ले जाना है आपको नेक्स्ट थाई पे, ये थाई पे तो लग गई, अब ये वाली थाई पे भी आपको सेम वैसे ही रख देनी है। देखो कुछ अच्छे से एडजस्ट कर लेना, यहाँ पे अच्छे से देख लेना अच्छे से एडजस्ट हुई है या नहीं, यहाँ पे लाइनिंग साइड साइड की बस मिला लेना। मिलाने के बाद राइट टिक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हो गया। अब हम फाइव लेयर में जाएंगे, जो हमने एक्स्ट्रा डुप्लीकेट बना के रखा है जीन्स का, तो वो हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट हो जाने के बाद अब आपको ले जानी है पैर के साइड, देखो पैर के साइड आपको कुछ इस तरह से ले जानी है, बड़ी छोटी मत करना, अगर हो जाए तो फिर आपको अंडो करना पड़ेगा। अंडो हम कर लेते हैं देखो कुछ इस तरह से, अंडो करने के बाद फिर से हम इसे सेलेक्ट कर लेंगे। करने के बाद यहाँ पे आपको गड़बड़ाना नहीं चाहिए साइज, अगर सेम साइज़ नहीं रहा तो आपको दिक्कत हो सकती है, छोटी बड़ी दिखने लगेगी। तो देखो कुछ इस तरह से हमें ले जाना है पेंट के नीचे साइड वाला, जहाँ से स्टार्टिंग है वहाँ से आपको कुछ इस तरह से ले जानी है और ऐसे आपको रख देनी है। रखने के बाद राइट टिक है, राइट टिक पे हम क्लिक कर देंगे और इसका भी जो एक्स्ट्रा पार्ट्स होगा उसे भी कर देना है इरेज अच्छी तरह से। इरेज हो जाने के बाद आपको फिर से चले जाना है लेयर्स में और फिफ्थ लेयर जो पेंट नीचे के पेंट है उसका भी एक डुप्लीकेट लेयर तैयार करना है, और ताकि हम नीचे की तरफ भी पहना सकें। तो उसको अब
लुब्रिकेट को आप पकड़ के नीचे की तरफ आपको ले आनी है, और नीचे की तरफ जो पेंट यहाँ पे बची हुई है लास्ट पार्ट, उसे भी यहाँ पे अच्छी तरह से यहाँ पे अच्छी तरह देख के एडजस्ट कर लेनी है। कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाने के बाद आपको अब राइट टिक पे क्लिक कर देना है। आप चले जाएंगे लेस वाले ऑप्शन पे, लेस में ऑप्शन जाके जितनी भी ट्रांसपेरेंसी हम कम किए थे उसे अब आपको फुल कर देनी है। सभी जितने भी हमने कम किया था सब फुल हम कर देंगे, और फर्स्ट लेयर यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेनी है, और जो पुरानी करेक्टर की थोड़ी थोड़ी बच जाती है उसे अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर लेनी है कुछ इस तरह से। नीचे तरफ की जो पैर है उसे इरेज मत करना, बाकी ऊपर ऊपर ऐसे करके इरेजर चला लेनी है आपको, ताकि जो हमें अनवांटेड पार्ट्स रहती है वो ना दिखे। तो कुछ इस तरह से आपको सभी पैरों पे अच्छी तरह से यहाँ पे चला लेनी है, वो हट जाएगी। पैर पे मत चलाना, नहीं तो पैर ही आपका हट जाएगा, करेक्टर का पैर। तो कुछ इस तरह से हमारा इरेज हो जाता है और हमारा जींस भी यहाँ पे बन के रेडी हो जाता है। अगर आप चाहते हो तो इसकी फेस भी आप चेंज कर सकते हो। मैंने पुरानी वीडियोस में बताया है कि आप कैसे करेक्टर बना के उसकी फेस को चेंजेस कर सकते हो, आप जैसा मन वैसा करेक्टर भी बना सकते हो। तो पुरानी वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख के सीख सकते हो कि करेक्टर की फेसेस आपको कैसे बनानी है। अब इसे आपको कर लेना सेव, सेव एज अ ट्रांसपेरेंट PNG पे, और हम चलते हैं अपने क्रोमा टून में और आप सबको दिखाते हैं कि हमारा करेक्टर कैसा बन के रेडी हुआ है। यहाँ पे तो हम अपना क्रोमा टून यहाँ पे खोल लेते हैं। तो यहाँ पे ऐड करने का ऑप्शन यहाँ पे आपको पता ही होगा, तो यहाँ पे ऐड ऐसे कर लेना, और आप सब देख सकते हो कुछ इस तरह का करेक्टर हमारा बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है। देखने में भाई देखो कितनी अच्छी लग रहा है हमारा करेक्टर। यहाँ पे इसने जीन्स और शर्ट देखो कितनी अच्छी से पहना है, पूरी स्मूथ लग रहा है करेक्टर। ऐसे ही आप कोई भी मूवमेंट देना चाहो तो वो भी करेक्टर आराम से ये मूवमेंट करता है। तो ऐसे ही आप भी अपने करेक्टर को पहना सकते हो, शर्ट जीन्स को भी कपड़ा पसंद हो वो आप पहना सकते हो अपने चॉइस के हिसाब से। अगर आप चाहते हो वुमेन को कपड़े कैसे पहनाते हैं तो उसके लिए भी मैंने ऑलरेडी पहले ही वीडियो बना दिया है, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप सीख सकते हो को लड़कियों औरतों को भी कपड़ा कैसे बना के पहना सकते हो। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा अच्छे से। अगर फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपकी सारी डाउट्स को क्लियर करने की पूरी कोशिश करते हैं गाइज। और प्लीज़ यार वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक देना मत भूलना, और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी नहीं गाइज। आप सबके लिए हम इतनी मेहनत करके वीडियोज़ बनाते हैं और आप सब वीडियो देख के सब्सक्राइब भी नहीं करते यार, प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर दो। आपके भाई का चैनल है, ऐसे और भी वीडियोज़ आपको देखने को मिलते ही रहेंगे। हम आपके लिए मेहनत करते यार, इसका फल तो हमें मिलना चाहिए। प्लीज एक लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे।